Hi, so it's gonna be a big day. Today is our second day in Bhutan, और आज हम जा रहे हैं पुनाखा for some river activities, waterfalls देखने and उसके पहले administration office जाएंगे, वहाँ से pass लेना होता है आगे जाने के लिए and पुनाखा explore करने के बाद शाम को I'll update you about the other things और इसके बाद हम जाएंगे पारो, क्योंकि वहाँ पे हमारा stay है और 2 दिन पारो में रुकने वाली हूँ मैं, तो पारो परसों एक्सप्लोर करेंगे, आज सिर्फ पुनाखा एंड लैंडस्लाइड्स वगैरह सॉरी लैंडस्केप्स वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। बाय। सो वी स्टार्टेड आर जर्नी फ्रॉम थिम्पू टू पुनाखा एंड जो रास्ता था वो इतना ज़्यादा सुंदर था ना, दोनों तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स जो हैं इतनी सुंदर और डिफरेंट हैं। इनका पूरा सिटी का जो डिज़ाइन है, सारी बिल्डिंग्स इसी तरह की बनाई जाती हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेज, होटल्स, सारे जो बिल्डिंग्स हैं वो इसी डिज़ाइन की होती हैं। सो ये है हमारी पहली डेस्टिनेशन जो कि है एक डियर पार्क, और यहाँ पे भूटान का एक सेक्रेट एनिमल पाला जाता है जिसका देख रेख भूटान की सरकार करती है। हाय, सो ये पीछे मेरे दिस इज द पार्लियामेंट हाउस एंड द रॉयल पैलेस एंड इसके पीछे जो है सुप्रीम कोर्ट और उसके आगे हियर द रॉयल फैमिली वर्क्स एंड लिव्स एंड द किंग्स ऑफिस इज राइट देयर ऑन द सीधे हाथ पे एंड हम लोगों को वहाँ पे जाने की कोई परमिशन नहीं है, सो वी कैन सी हियर। और डियर पार्क के बाद हमने चलना शुरू किया अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि वहाँ से काफ़ी पहाड़ों के ऊपर की तरफ थी और ठंड लगने लग गई थी, सो मैंने स्वेटर पहन लिया। एंड वहाँ पे मतलब कई कई जगह ऐसा है कि जब आप शहर में थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं ठंड कम लगती है, और पहाड़ों के ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो ठंड ज़्यादा लगने लग जाती है। सो हमेशा अपने साथ स्वेटर कैरी करें। सो हमारी जो दूसरी डेस्टिनेशन थी वो थी भगवान बुद्ध का मंदिर, जो पहाड़ों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है। या आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध की बहुत ही ऊंची एक मूर्ति बनी हुई है मंदिर के ऊपर, जो कि काफ़ी दूर से आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। पूरा मंदिर जो है पीतल से बनाई गई है ये मूर्ति, और पूरा मंदिर जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरा और प्यारा सा था। यहाँ से आप पीछे पहाड़ों से बहुत ही अच्छा व्यू देख सकते हैं। सो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम भगवान बुद्ध टेम्पल वी वेंट टू आर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच वॉज़ अ वॉर मेमोरियल। एंड ये भी पहाड़ों के ऊपर था, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। एंड हम लोगों को बताया गया था कि इस जो जगह है यहाँ से आप क्लियर हिमालय की पूरी रेंज देख सकते हैं, बट इट वॉज़ वेरी क्लाउडी एंड फॉगी, सो हम लोग कुछ ज़्यादा देख नहीं पाए। बट द प्लेस वॉज़ रियली क्वाइट एंड नाइस, क्योंकि वी वर लाइक हम लोग उस दिन गए तो वीकेंड था, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, पर इट वॉज अ नाइस प्लेस टू विजिट। सो दिस इज अ वॉर मेमोरियल बिहाइंड मी। सो 2003 में कुछ असम के ट्राइबल्स के साथ बुद्ध के जो ये किंगडम है भूटान के कुछ लोगों की एक वॉर हुई थी इंडियन ट्राइब्स के साथ में, जो कि भूटान के अंदर घुस आए थे, और उस वॉर के दौरान जो सोल्जर और नॉर्मल सिविलियंस मारे गए थे, भूटान सरकार ने उनकी याद में ये स्मारक बनवाया छोटा सा मेरे पीछे। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, इट्स ऑन अ हाइट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग रहती है, बट ऑन अ क्लियर डे यू कैन सी द एंटायर हिमालय रेंज हिमालयन रेंज फ्रॉम हेयर।
पर इस समय ये बहुत ज़्यादा फॉगी है, वी विल नॉट बी एबल टू सी मच। सो पहाड़ों से उतर के जैसे ही हम प्लेन्स की तरफ आने लगे, सर्दी कम हो गई और धीरे धीरे धूप बढ़ने लग गई, तो गर्म मौसम हो गया और हम पुनाखा की तरफ पहुंचने ही वाले थे। पुनाखा जो है वो भूटान के प्लेन एरियाज़ में बसा हुआ है, ज़्यादातर चावल के वेजिटेबल्स की खेती बाड़ी यहीं होती है और जहाँ हम जा रहे थे वो बहुत ही छोटा सा स्मॉल टाउन है। ये एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ और सुंदर था। इट वॉज़ अ वेरी वेरी स्मॉल टाउन एंड इट हैज़ सो मेनी शॉप्स, यहाँ से आप सुवेनियर्स लेके जा सकते हैं। और पूरी जगह इतनी ज़्यादा साफ़ थी ना, जितना छोटा सा ये टाउन था, यहाँ पे आप लोकल भूटानी जो लोगों का रहन सहन है वो देख सकते हैं। सो बिहाइंड मी इज़ अ बुद्धा टेम्पल एंड इट हैज़ अ स्टोरी। इट वाज बिल्ट अराउंड इन 16th सेंचुरी बाय अ मॉन्क हु इज़ फेमस बाय द नेम मैडमैन एंड इट्स अ लिटिल हाइक बट इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। इफ यू आर कमिंग टू हियर यू शुड जस्ट गो देयर एंड सिट देयर फॉर अ व्हाइल। और इसके बाद हम जाने लगे हमारी लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो आज की सबसे ज़्यादा सुंदर जगह भी थी। इसके बाद हमें जाना था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, उसी के मतलब जो ऑफिस है वो सबसे पुराना इनका पैलेस था, उसी पैलेस के पास में है फेमस सस्पेंशन ब्रिज। और ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ये एक रिवर के ऊपर बनाया गया बांध है जो कि 16th सेंचुरी में ओरिजिनली बनाया गया था, बाद में इसको भूटान की सरकार ने कई बार रिपेयर चेंज करवा दिया है। एंड यू कैन सी दिस इज द लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेसेस व्हिच आई हैव सीन इन भूटान। लाइक दिस इज़ द फर्स्ट, इनका जो सबसे पहला महल था वो है, और जो भी राजकाज की इवेंट्स होती हैं वो यहाँ पे होती हैं एंड जो राजा और रानी हैं वो यहाँ पे आते हैं जो भी कोई इवेंट होती है ऑर्गेनाइज होती है। और ये पूरी लाइक जो फोर्ट्रेस है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रन करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, टेक केयर करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में नागों की पूजा होती है, साउथ इंडिया में स्पेशली लोग नागों को बहुत ज़्यादा पूजते हैं, नॉर्थ में भी पूजते हैं पर साउथ में थोड़े से ज़्यादा है, वैसे ही भूटानीज कल्चर में, बुद्धिस्ट कल्चर में नागों की पूजा की जाती है। सबकी अलग अलग मान्यताएं बट काफ़ी सिमिलर ट्रेडिशन है। और इनके यहाँ पे भी जैसे हमारे यहाँ नागों को देवता माना जाता है, सो अकॉर्डिंग टू सम साउथ इंडियन ट्रेडिशंस माना जाता है कि जो ह्यूमन इवॉल्व हुए थे वो नागों के थ्रू हुई थे। देर आर सम स्मॉल टाउन्स इन साउथ इंडिया हु स्टिल बिलीव दैट एंड द सेम इज इन द भूटानीज और द बुद्धिस्ट कल्चर। सो जो नाग हैं वो ह्यूमैनिटी के रक्षक माने जाते हैं, जैसे कि हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में है कि वासुकी जी को शिव जी के गले में पहनते हैं और माना जाता है कि वो हमारी रक्षा करते हैं शेषनाग जी को, ऐसे ही इनके कल्चर में।
पूरा पुनाखा घूमने के बाद, इतनी सारी सुंदर जगह देखने के बाद, हम पहुंचे अपने होटल जो कि हमने पारो में लिया था। So we have reached Paro just now. We have reached Paro after exploring Punakha all day, and I got this room and it's kind of like feels nice, feels so peaceful and quiet and beautiful here. So because Bhutan is very like in the hills, like it's a very big hill station. Sare jo towns hain wo माउंटेन्स के बीच में बसे हुए हैं, और ज़्यादातर जो अट्रैक्शंस है लाइक पुनाखा, वी हैव टू गो थ्रू सो मेनी माउंटेन्स, तो हो सकता है माउंटेन्स में ज़्यादा मोशन की वजह से ट्रैवल सिकनेस आपको हो जाए, जैसे कि मेरे को हो रही है। सुबह से आई वॉमिटेड 2 times, आई डोंट नो हाउ, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट एनीथिंग बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग इन द माउंटेन्स। आई एम नॉट यूज टू इट। This is my second time I'm traveling to mountains and I always avoided because I don't know, matlab like I was not comfortable. I like mountains from a small distance kyunki the main reason was I was not able to drive, I can't drive, so I thought ki mountains mein yahan se wahan jaane ke liye bhi tumhare paas apni gaadi honi chahiye chalane ke liye, yahan chalana aata nahi hai to fir fayda kya hai, solo traveler who don't know how to drive is a big problem. यहाँ पे इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव इन भूटान, बट दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस, सीरियसली दिस इज़ वेरी नाइस। इफ़ यू आर कमिंग टू गारो यू हैव टू स्टे, आई ड्रॉप मेंशन द नेम इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो इफ यू वांट टू स्टे हियर, एंड लेट्स सी टुमारो वी विल गो टू एक्सप्लोर पारो। फर्स्ट थिंग वी विल बी एक्सप्लोरिंग टाइगर नेस्ट, और टाइगर नेस्ट को घूमने देखने के बाद, क्योंकि इट वॉज द लाइक मच अवेटेड प्लेस, एंड उसके बाद वी विल बी गोइंग टू एक्सप्लोर सम लाइक नेशनल म्यूजियम एंड अदर अट्रैक्शंस ऑफ पारो। यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर भी है जो मुझे देखना था। आज हम लोग बहुत सारी जगह गए, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह गए, बट आते टाइम जो ट्रैवल सिकनेस हुई है ना, उसने सारी हालत ख़राब करी थी, बट ऑल द व्यू एंड this quietness, this experience, it's all worth it, all worth the money, all worth the tiredness.